प्रदेश सरकार में जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख के कार्यक्रम में शामिल होने मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया के सवालों पर चिमनियानंद की गिरफ्तारी पर बोलते हुए कहा कि प्रदेश में कानून का राज है, चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, वह जेल जाएगा। जिसका दोष नहीं है उसको हमारी सरकार जेल नहीं भेज सकती। सपा सांसद आजम खान की गिरफ्तारी ना होने के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आजम खान पर दर्ज मुकदमों की प्रशासन जांच कर रहा है, जिस दिन जांच पूरी हो जाएगी प्रशासन अपना काम करेगा। उपचुनाव में हमरीपुर में मिली जीत और आगे होने वाले 11 सीटों के लिए उपचुनाव में भी जीत का दावा करते हुए कहा कि भाजपा 5 साल तक चुनाव की तैयारी करती है और उपचुनाव में भी हमारी जीत होगी। 1-2 दिन में भाजपा सभी सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा कर देगी। कश्मीर से 370 हटाने को ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि आजादी के बाद से देश अलग था। प्रधानमंत्री और अमित शाह ने दुनिया को दिखा दिया कि कैसे 370 खत्म हो सकती है। वो खत्म करके एक विधान, एक निशान को संभव करके दिखा दिया, जो जनमानस की आवाज थी। मैंने कहा नहीं, देखो यहाँ योगी जी के नेतृत्व में कानून का राज है। जो कानून करेगा, चाहे कोई बड़ा व्यक्ति हो और चाहे कोई छोटा व्यक्ति हो, किसी को छूट नहीं है। चाहे बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, वो अगर वो उसमें पाया जाता है तो वो जेल जाएगा। इसमें कोई जब जेल गए तो दोषी होंगे ना। बगैर जिसके दोष नहीं है उसको हमारी सरकार जेल नहीं भेज सकती। देखिए, मुकदमे आजम खान पर लिखे गए हैं, उसमें प्रशासन जांच कर रहा है और जिस दिन जांच पूरी हो जाएगी प्रशासन अपना काम करेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा 5 साल तैयारी करती है, कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ी रहती है और अभी हमीरपुर का चुनाव हमने जीता है और आने जो 11 चुनाव उपचुनाव और हुए हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के और माननीय योगी जी के नेतृत्व में जीतने जा रही है। सर, उधर रामपुर की बात करें, अभी कुछ ही दिन बचे हैं, अभी कोई भी प्रत्याशी, उधर समाजवादी पार्टी भी प्रत्याशी नहीं डिक्लेयर कर रही है, बीजेपी के, या तो समाजवादी वाले प्रत्याशी का वेट करें और फिर अपना। मैं आपको बता दूं, 11 उपचुनाव होने हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी हमीरपुर के अलावा कहीं भी पार्टी का प्रत्याशी अभी घोषित नहीं किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है और प्रत्याशी भी एक आधे दिन में घोषित हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय देश में और प्रदेश में एक जनमानस की और भारतीय जनता पार्टी के जो उन्होंने काम किए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, जो बहुत बड़ा एक इतिहास जो उन्होंने रचा है, जो देश का आज़ाद होने के बाद भी उसे देश के अंग को अलग रखा गया था, आज उन्होंने जोड़ने का काम किया है। यह जो हमेशा जन जन की आवाज़ थी कि 370 कैसे ख़त्म होगी, 370 माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय अमित शाह जी ने ये पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि 370 हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। उन्होंने ख़त्म करके एक विधान, एक निशान के माध्यम से, एक संविधान के माध्यम से उन्होंने ये करके दिखाया है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।